हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंकी की रसोई। चलिए आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा रेसिपी शेयर की हूँ जो हमारे यहाँ अदरा में बनता है। ये जो सावन चढ़ने से पहले अदरा चढ़ता है 15 दिन का, वही स्पेशल थाली है ये। जो मैं बनाई हूँ सारी इसमें इस वीडियो में मैं शेयर की हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको पहले चना दाल फूलने के लिए रख देना है। 2-3 घंटा फूलेगा, वो अच्छा सा फूल जाएगा, तब इसको पीसना होता है यहाँ पर। तब तक मैं इधर 1 घंटा तो लग ही जाएगा खीर बनाने में। तो यहाँ पर देखिए मैं खीर बना लूँ, यहाँ पर देखिए खीर ले ली। खीर 2-3 केजी दूध में मैं बना रही हूँ। बासमती चावल एकदम 100 ग्राम से कम ही होगा ये चावल, ज़्यादा चावल है नहीं। मैं कैरमल खीर बना रही हूँ, बहुत अच्छा बना हुआ था। हमारे यहाँ ये अदरा बनता, मतलब बिहार का ये फेमस है, सबके यहाँ बनता है। सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किसके किसके यहाँ बनता है। यहाँ पर देखिए खीर बना रहे हैं, उसमें इसको चीनी को पिला लेंगे अच्छे से, इसमें डाल देंगे। यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ था। ऐसा मेरा मतलब गला प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है कि मैं वीडियो अच्छे से बना भी नहीं पाती हूँ। वीडियो पड़ा रहता है बट मैं नहीं बनाती, इतना बोलने में थक जाती हूँ कि देखिए यहाँ पे इलायची और तेज़पत्ता ले लीजिएगा। देखिए दाल भी फूल गया, अब इसको हाफ बॉयल कर लेंगे एकदम गैस थोड़ा हल्का ही बोले तब तक ये हो जाएगा। इधर आटा भी गूंथ लेना है हमको, सब चीज़ इसमें ही बनाना है। तो मैं सारे वीडियो इसमें शेयर की हूँ। आटा तो नॉर्मल सप्ले को यहाँ जैसे गूंथाता है वैसे इसको दो तैयार करके रख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए खीर भी लगभग हो ही चला है, बस थोड़ा गढ़ा करना है। देखिए ये बॉयल हो गया, हल्का ही बॉयल करके इसको छान के और ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च को पीस कर और सरसों तेल में जीरा रखकर ये मसाला और नमक रखकर भूनना है। ये ऐसे ही बनता है दाल बड़ा हुआ पूरी ऐसे, और इसको अच्छे से देखिए भूनना है। यहाँ पे डाल देंगे जो पीस के रखे हुए थे चना दाल। देखिए हल्का बॉयल होता है तो ऐसे नहीं, तो थोड़ा ज़्यादा पक जाता है एकदम गील गील चोखा टाइप का बन जाता है। देखिए ये बन के अब इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पे खीर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे। खीर भी बन के रेडी हो गया है, सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए देखिए बॉयल किए हुए आलू को फ्राई कर लेंगे और पटल का फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप छोला भी बना सकते हैं बट मैं आलू पटल का सब्जी बनाई थी यहाँ पर। और यहाँ पर बनाने के लिए प्याज हरी मिर्च और जीरा ले लीजिएगा, अब भून लीजिएगा। इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मसाले में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और ये हल्दी पाउडर ले लीजिएगा। थोड़ा सा क्रश करके कस्तूरी मेथी ले लीजिएगा, अदरक लहसुन कूटा हुआ ले लीजिएगा, इसको अच्छे से भूनिएगा। अब ये हल्का भुना जाएगा तो इसमें प्याज आलू और ये पटल डालकर भी हल्का भून लीजिएगा। देखिए इस तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पे पानी डाल देना है ग्रेवी के लिए। ग्रेवी क्या सूखा ही चखाना है तो बट भी फिर भी थोड़ा सा पानी डाल देने पर पक जाता है मसाला। अब यहाँ पे पूरी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए दाल भर लेते हैं। ये दाल वाला जो मसाला रेडी करके रखे थे इसको एक एक करके सबको मैं भर लूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा था तो मैं बाहर, आज ही यहाँ का लास्ट डे है। आज कितनी तारीख है? आज 5 तारीख है, यहाँ पे लास्ट डेट है ये आदरा का। तो आज हम लोग यहाँ भी आज भी मनेगा क्योंकि उतरती चढ़ती भी खीर बनता है। ऐसे हम लोग दाल बड़ा पूरी वूरी भी बनाते, घर में सबको बहुत पसंद है। देखिए इस तरीके से पहले खपड़िया लेंगे हम लोग, गांव में ऐसे मम्मी लोग खपड़िया लेते हैं और ये हम लोग यहाँ बनता है। तो ये नहीं कि अकेले खाना होता है, पंडित जी लोग को भी खिलाना होता है। गाँव पर तो जितने पटदार लोग होते हैं उनके यहाँ खाना होता है, जाते भी हैं लोग, आते भी आता भी हम लोग के यहाँ। ऐसे बहुत अच्छा लगता है ये हमारे यहाँ, मतलब ये बचपन से ये देखते आ रहे हैं हम लोग को। बहुत बचपन में इसका इंतजार रहता था कि कब अदरा चढ़ेगा। खाने से ज़्यादा इधर उधर आने जाने में अच्छा लगता था। और यहाँ टाउन में आके नहीं पर तो खुद खाइए खुद बनाइए, ऐसा ये सब चीज़ है नहीं कि अगल बगल में आप चला सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब खट मीठी बना लेते हैं। खट मीठी में आपको यही मेथी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सौंफ और थोड़ा सा कलौंजी ले लीजिएगा और लाल मिर्च और तेज़पत्ता का तड़का लगा लीजिएगा घी में और ये कटा हुआ आम कच्चा डाल दीजिएगा। इसको भून लीजिए, खट मीठी भी बनता है यहाँ पे, और इसको भूनिएगा। इसमें मतलब लो फ्लेम पर भूनना है, थोड़ा सा ये हल्का हो जाए, इस तरीके से इसको भूनते रहना। बहुत अच्छा बना था। कमेंट सेक्शन जरूर बताएं बिहार कौन कौन बनाया है, किसके यहाँ बना है ये। ऐसे सबके यहाँ बनता है। जो मसाले में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर 1 पिंच और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक ले लीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी, इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। थोड़ा सा हींग लेना है इसमें, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 भेली मैं गुड़ का डाली थी,
डेढ़ मतलब, और मेरे को ग्रेवी वाला नहीं चाहिए था, एकदम ड्राई चाहिए था। देखिए इस तरीके से बन के रेडी, बहुत अच्छा ये बनता है, ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए सब मेरा बन के रेडी है, जो अदरक का थाली होता है स्पेशल यही बनता है, सब्जी दाल भरा हुआ पूरी खीर खटमिठी और अचार आम होना चाहिए। ऐसे भी ये सीजन आम का चलता है, इस टाइम ही अदरक बनता है हम लोग यहाँ। देखिए इस तरीके से हम दे सबके, तो चलिए आप लोग भी बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।